ठीक सामने इनकी लिस्ट एक। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, यू नो आपने कई बार बताया है कि जिससे आपने एक्टिंग सीखी है, जो आपके गुरु हैं वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। हाल ही में उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है, तो अगर आप अपने कुछ ब्यूटीफुल अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें। रितेश जी आपसे भी, बॉबी जी प्लीज। मैं उनको फोन करके कह दूँ हमारे लिए वीडियो बाइट, वीडियो बाइट कर लूँगा बेटा, कर लूँगा मैं। इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की। और दूसरी बात है कि पिछला वाला भूल जाऊंगा मैडम, पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊंगा, फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ। एक एक करके पूछ लो, आप दो पूछ लो लेकिन एक एक करके। हाँ, वापस बताइए क्या इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है इसमें, ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है। इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन चार और आ जाएंगी फिल्में, तो फर्क नहीं पड़ेगा जी। और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि आप इसमें राजपूत बने हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? प्लीज आप रहने दें मैडम, आपको शांति अच्छी नहीं लगती मुझे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। ओके, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे कुछ ना करें। ओके, अच्छी भली आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है ये सब? नहीं, नहीं, नहीं। क्या फायदा, घर जाएंगे खेल हंसते खेलते, क्या फायदा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल सेड अक्षय सर। एंड विद दैट आई थिंक वी विल बी शिफ्टिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया एंड उनसे हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। एक आखिरी सवाल, आप तीनों महारानियों से हैं, यू नो कि अगर हाउसफुल जब आई थी एंड नाउ हाउसफुल फोर, सो आप लोग को लगा था जब आपने हाउसफुल देखी होगी कि हम एक दिन हाउसफुल 4 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे? लाइक हाउसफुल, तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है। वो तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफ़ी कुछ बदला है, बट इट्स वेरी वेरी सरियल एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग बैक टू वर्किंग विद साजिद नाडरवाला सर हु हैज़ लॉन्च्ड मी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे आई कुड हैव कम बैक वर्किंग विद हिम एट होम विद अ ग्रेट फ्रेंचाइज लाइक हाउसफुल 4। पूजा जी? Yeah, I don't think मुझे कभी लगा था कि मैं हाउसफुल करने वाली हूँ, बिकॉज लाइक शी सेड आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एक्टर। बट आई थिंक जो आपने 1, 2, और 3 हाउसफुल देखा, ये बहुत ही अलग है। इवन सिंपल थिंग्स जैसे कि हम राजकुमारियाँ बहुत ही लाइक वी आर वॉरियर प्रिंसेसेस, यू नो, तो हम एक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में, एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स सो यूनिक दैट आई गॉट टू प्ले पास्ट लाइफ and present life in one film, so it's going to be unique. आप कुछ कहना चाहेंगे कृति खरबंदा जी? Houseful is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. जब पहला poster आया था, for me it was a moment of pride. मैंने mom को सबसे पहले WhatsApp पे भेजा before I posted it online, saying, "Ma, I can't believe I'm in Houseful." It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special. But Houseful, definitely it ticks something off my bucket list and I find it a matter of great deal to have worked with such lovely people. And period drama bhi kar liya, Houseful bhi kar li, 2-in-1 ho gaya hamara to. Akshay ji, ek... We'll be talking to the media sitting in Australia, Melbourne. You do it after this, this you do it. Ma'am, Melbourne wale keh rahe hain, humne bhi matlab visa lagwa ke aa jate, jaldi pahunch jate, bichare badi der se baithe hain wo bhi. Unko bhi pooch lete hain. Alright, so hi to the people in Melbourne. एंड यहाँ से क्वेश्चन आया है एक एजडे इंडिया जर्नलिस्ट टोनी सेठी एंड इंदिरा लेसराम, इन्होंने अक्षय सर आपके लिए सवाल पूछा है। अक्षय कुमार, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ प्रेजेंट डे बाबा एंड अ किंग ऑफ अ बायगॉन एरा? मतलब ये सवाल आपके दोनों किरदारों में क्या सिमिलैरिटीज हैं सर? हाँ, कि आप वहाँ पे पुराने टाइम के राजा प्ले कर रहे हैं और फिल्म में एक नाई भी प्ले कर रहे हैं सर आज का, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ये जानना चाहती हैं। एक राजकुमार में और नाई। हाँ जी सर, क्या सवाल है सर, एक राजकुमार एक नाई में क्या सिमिलैरिटी है सर? मेरे हिसाब से दोनों इंसान हैं।
बस यही है, यही सिमिलैरिटी, ये फिल्म के हिसाब से तो यही सिमिलैरिटी है कि एक के बाल नहीं थे और एक के बाल थे जो दूसरे में काट रहा था सबके और जो जो इस जन्म में वो दूसरे के बाल काट रहा था उनको गंजा कर रहा था, खुद पिछले जन्म में गंजा, बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मत पूछो, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस स्क्रिप्ट के दौरान, स्क्रीन प्ले के दौरान करीबन जब फिल्म देखी तो समझ में आया कि सब ठीक है, और क्योंकि जब ये सुबह सुबह 5 बजे आता था स्क्रिप्ट सुनाने तो ये खुद परेशान रहता था, सो इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग बट इट इज़ लविंग। आई मीन सेड एक ये बताऊँ कि इट इज़ गोइंग टू बी अ फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ फिल्म वेयर री इनकारनेशन को आप एक हंसी के मजाक में और एक मतलब बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म है, बहुत ही मजाकिया वाली फिल्म है, और क्या। हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरे को लगता है इस फिल्म के बाद सब तेरे पास आने वाले हैं अगर इंडिया को कोई चाहिए होगा वेपन सब तेरे पास ही आएगा या मेरा क्वेश्चन बॉबी जी से है, आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है, तो जब आपने काम रिज्यूम कर लिया है वापस एंड आपको काफ़ी तारीफ़ें भी मिल रही हैं, आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रिज्यूम, लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड? क्या है कि मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त अच्छे भैया, इसने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है, और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा, तो मैं बस यही कहता हूँ कि आप सबको यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, पॉजिटिव सोचो फिर काम मिलता रहेगा, और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सब ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया and I'm very grateful for that, but end of the day it's, as Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work, if you don't do that, that luck doesn't matter then. 3 cheers for Bobby. Sir, hi. Yes, hello Akshay sir, I'm from Kurduwadi, Solapur se pass ka chhota sa gaon hai, wahan par hum aapka birthday celebrate karte hain, movie celebrate karte hain, marathi सर, सर आपला सोलापूर आहे, सोलापूर, हॅलो सर, आपलं सोलापूर गाव आहे, माझ्यासोबत आपचे सोलापूरचे पण ग्रुपचे आहेत सुरेश जगलेकर, हॅलो सुरेश, सुरेश कुठे, आणि सर मी कुर्डवाडी वन आहे, तुम्हाला भेटलो होतो मागा 21 तारखेला भेटलो होतो आपण सगळेजण, तेव्हा तुम्हाला सांगितलं की सेल्फ डिफेन्सचं पण आम्ही केलं होतं वाढदिवसाला, आणि आत्ता सुरेश जे आहेत सोलापूरचे त्यांनी पण ब्लड डोनेशन केलं होतं, 101 ब्लड डोनेशन केलं होतं सर, एक रिक्वेस्ट आहे सर प्लीज एकदा गळाभेटी करून घ्या प्लीज, काय झालं माझी गळाभेट असतो मला सर प्लीज, हो थांब आता करूया ते नक्की करूया, पण मी मी सगळ्या मीडियाला हे सांगायला पाहिजे, मला आय जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट माय फॅन्स माय पीपल देअर हु देअर, आय मस्ट टेल यू, नो नो अँड इट इज नॉट, इट इज जस्ट नॉट बिकॉज दे आर देअर, आय मस्ट टेल यू की मेरा बर्थडे हो या कोई भी फिल्म हो कभी भी हो, ये इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, they put so many trees, they do self defense camp karte hain, and so many things which I keep on looking at, and I'm very very thankful to you guys, sir, thank sir, you please. Very much aur me ye to ghabro ko jaiye ye lokar ye daavat ye ani bag camera khali nako karu akshay sir ha sir ajun last question sir akshay sir ha lokar ye एक मिनिट सर, चला 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 आता लास्ट, अरे सर अक्षय सर, चल चल सर, थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक यू अक्षय सर, हाँ बोलिए, मैं अकोला वरून आलेलो, अकोला केस सर पे, आणि अक्षय कुमार सर हे भारतरत्न आहेत, आणि भारतरत्न त्यांना भेटणार, आणि मी असं समजतो की अक्षय कुमार जे सोशल वर्क करतात तर बाकीचे इंडस्ट्रीवाले का करत नाही, अक्षय कुमार जे डोनेट करतात, जे दानशूर आहेत, भारतरत्न आहेत, त्यांना बाकी हिरो लोक, बाकी अभिनेता लोक हे बघा, असं काही नाही आहे,
नाही सर सगळं सगळं करतात तुम्ही भारत माहित नाही सर मला माहिती आहे की मी इंडस्ट्रीमध्ये म्हणून मी आपल्याला सांगतो हे सगळं सगळं काय करतात सगळं चाहे हो सलमान हो नाही सलमान खान तुमच्याबद्दल ऐकलं सर बाकी कोणाबद्दल आम्ही ऐकलं नाही वाचलं नाही मी सांगतो ना भाऊ सांगा माझा माझा इंटरव्ह्यू आहे सांगा सर मला सांगायला पाहिजे तू मला प्रश्न विचारलं मी तुला उत्तर देतो भाऊ मला सगळं माहिती आहे मला माहीत असतं कोण कुठे जातो काय करतो इंडस्ट्रीमध्ये एवढीशी इंडस्ट्री आहे भाऊ बरं का चा आणि असं काही नाही आमची इंडस्ट्री कुछ भी हिंदुस्तान में कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होती है वी ऑल गेट टुगेदर एंड वी ऑल वर्क ऑन इट एंड थैंक यू वेरी मच एवरी वन ओके वी कम बैक टू हेयर टू मीडिया आई थिंक सर वी आर रेडी फॉर द फोटो ऑप एंड आई थिंक मीडिया वी आर रेडी